गाइज यूसीआई एडमिट्स आर आउट एंड आई जस्ट लाइक रियलाइज, क्योंकि काफ़ी लोग मेरे को मैसेज कर रहे थे लिंक्डइन पे कि वी हैव गॉट एन डिसीजन जिसमें लिखा हुआ है कि यू आर ऑन द वेट लिस्ट एंड विल बी टॉकिंग ऑल अबाउट दैट कि यूसीआई के एमडीएस के एडमिट आ चुके हैं, क्या प्रोफाइल थी और अभी भी टाइम है कि अप्लाई करने के लिए एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड लेट्स स्टार्ट। सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो और इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूसीआई के जो एमडीएस के एडमिट्स आ चुके हैं अभी। सो आई वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस ऑन लिंक्डइन दैट हे वी हैव गॉट एन एडमिट फ्रॉम यूसीआई एमडीएस, हम किस यूनिवर्सिटी में जाएं किस में ना जाएं। एंड अ थिंग विच यूसीआई एमडीएस हैज़ डन दिस ईयर इज दैट कि उन लोगों ने आपको बोला कि आप वेट लिस्टेड हो, बट एक्चुअली में क्या होने वाला है कि यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं कि सो हे इज़ अ ट्रिक, वो आपको पहले वेट लिस्ट करेंगे, उसके बाद आपको थोड़े टाइम के बाद वो अप्रूवल दे देते हैं कि या यू गॉट एन ऑफर लेटर। सो आप सोचते हो कि यार मैं तो वेट लिस्ट था, अब एकदम से ऑफर लेटर आ गया, सो आई शुड गो टू दिस यूनिवर्सिटी। सो गाइज डोंट गेट इन टू दिस ट्रैप। अगर आप मतलब किसी पर वेट लिस्टेड हो और आपको फिर ऑफर आता है, कंसिडर ऑल द फैक्टर्स विच यू विल बी कंसिडरिंग, रैंक हो गया, लोकेशन हो गया, कॉस्ट हो गया, टी आर अपॉर्चुनिटी हो गया, दीज ऑल कंसिडर एंड देन टेक अ डिसीजन। सो इज इट लाइक टू लेट टू अप्लाई फॉर एमडीएस राइट नाउ? सो गाइस आई पर्सनली अप्लाई टू एमडीएस इन मार्च एंड ओनली, और अभी भी अप्रैल बिगनिंग ही है। सो इफ दे आर स्टिल, मैंने भी साइट खोल के नहीं देखा है, बट इफ दे आर स्टिल कंसिडरिंग एप्लीकेशन सो डू अप्लाई, बिकॉज काफ़ी सारे लोग रिजेक्ट भी कर देते हैं और आपको चांस बन जाता है फिर एडमिट आने का। एंड आई डोंट थिंक इस बार इंटरव्यू होने वाला, क्योंकि पिछली बार भी नहीं था, एंड वो बस ऑफर लेटर दे देते हैं। एंड यूजली जो प्रोफाइल रही है लोगों की, जो मेरी बात हुई है लोगों से, दैट इज़ लाइक यूजली 2 to 3 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस एंड 320 GRE एंड 7 तो मिनिमम GPA, मतलब वो था किसी एक का एडमिट आया हुआ था कि उसके 7 GPA था, बट उसका एडमिट आ गया था जस्ट लाइक मी। एंड या लाइक यूजली GPA जो यूसीआई में चाहिए होती है वो होती है 8 to 8.5, एंड ये यूजुअली प्रोफाइल रही है। GRE तो 320 चाहिए, दैट इज़ अ फिल्टरिंग क्राइटेरिया, एंड आई वॉज एन एक्सेप्शन बिकॉज आई हैड लाइक सर्टन अदर थिंग्स इन माई प्रोफाइल, जो कि इंटर्नशिप से, रिसर्च पेपर्स से स्ट्रॉन्ग एलओआर थे, तो मेरा GRE 303 एंड CGPA जो मेरा 7 था, उसके बाद भी मेरा एडमिट आ गया था। सो दैट इज़ वाई आई वॉज टेलिंग पीपल कि यार अगर आप इस साल भी अप्लाई करने का सोच रहे हो नेक्स्ट ईयर के लिए, प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करना शुरू करो अगर आपका GRE और CGPA अच्छा नहीं है तो। सो गाइस आई वॉज ऑल्सो लाइक सोच रहा था मैं कि यूसीआई एमडीएस का रिव्यू बनाऊं कि आपको यहाँ पे आना चाहिए नहीं आना चाहिए, बिकॉज देर इज़ अ फैक्टर विच यू मस्ट कंसिडर बिफोर कमिंग हियर। बिकॉज यहाँ पे आने से पहले मेरे को लगा था कि उनकी साइट पे आप जाओगे और देखोगे कि 9 core लिखा हुआ है कि आप टू टेक 9 core courses, बट आई वॉज थिंकिंग कि 9 core होंगे बट ऑप्शन देंगे कि 9 out of 15 कर लो, 9 out of 14 कर लो, बट यहाँ पे जो कोर ऑप्शंस है दैट इज 9 out of 9। सो दिस इज अ ओनली डिसएडवांटेज विच आई एम फेसिंग राइट नाउ, जो कि मैं इस बारे में वीडियो बनाने का भी सोच रहा हूँ अभी, बट अभी बना नहीं रहा हूँ। बट एक बार आप साइट पे कंफर्म कर लेना उनको ईमेल डाल के कि कोर में ऑप्शंस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, बिकॉज आई एम पर्सनली डिसअपॉइंटेड कि हमें ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं। मतलब 9 out of 9 ही कोर कर रहे हैं, तो देर इज़ नो रूम ऑफ कि आप जो पढ़ना चाहते हो वो पढ़ रहे हो। सो दिस इज़ अ बिट लाइक डिसएडवांटेज ऑफ द प्रोग्राम हेयर। एंड या इस पर पूरी वीडियो आने वाली है, अभी मैं क्वार्टर सिस्टम अभी चल रहा है तो ख़त्म होने वाला है, मेरा 2 महीने और रह गए हैं, तो एक बार उसके बाद रिव्यू बनाऊंगा अच्छा खासा इसके बारे में, बिकॉज जो भी लोग आ रहे हैं उनको एडवांटेजेस तो पता ही हैं, डिसएडवांटेजेस की भी बात होनी चाहिए। एंड या दिस वॉज बेसिकली अ वीडियो टू लेट यू गाइस नो कि यूसीआई हैज़ स्टार्टेड गिविंग आउट एडमिट्स, सो बी पेशेंट। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट डाउन करके बताना, या फिर लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हो। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।